सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 चम्मच घी ऐड करेंगे। घी हल्का गर्म होने के बाद हम उसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। फिर उसमें हम 1/2 चम्मच हरी मिर्च ऐड करेंगे। फिर 1/2 चम्मच हम कद्दूकस किया हुआ अदरक ऐड करेंगे। फिर इन तीनों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसमें हम चॉप किया हुआ टमाटर ऐड करेंगे। फिर इन सभी को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम सॉफ्ट होने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे। अब 2 से 3 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम लिड को हटा के चेक करेंगे कि हमारा टमाटर सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। हमारा टमाटर पूरी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसको अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉयल किया हुआ आलू। अब आलू को हम 2 से 3 मिनट के लिए इसी प्रकार अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। फिर इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे। फिर इन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स एंड मैश करेंगे। ऐसा करने से ग्रेवी की थिकनेस बढ़ जाएगी। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे। अब हमारी सब्जी गार्निश करने के लिए रेडी हो गई है। इसमें हम ऐड करेंगे फ्रेश हरा धनिया। अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमारी सब्जी सर्विंग के लिए रेडी हो गई है। अब हम पूरी के लिए डो रेडी करेंगे। सबसे पहले हमको बॉयल किया हुआ मैश पोटैटो लेना है। फिर उसमें 6 से 7 टेबलस्पून सिंघाड़े का आटा मिक्स करना है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद भी अगर आपका आटा गीला लग रहा है तो आप इसमें एक्स्ट्रा आटा डाल सकती हैं। डो रेडी करने में 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। अब हमारा डो रेडी है। डो रेडी होने के बाद हम इसको छोटे छोटे पेड़ों के आकार में बना लेंगे। अब हमारे पूड़ियों के छोटे छोटे आकार रेडी हो गए हैं। अब इसको हम ड्राई आटे में डीप करके दोनों हाथों के मदद से इसको हम राउंड शेप देंगे। अब हमारी पूड़ियाँ फ्राई करने के लिए रेडी हो चुकी है। अब हम सबसे पहले कढ़ाई में घी डालेंगे। घी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें पूड़ियाँ डालेंगे। अब हम गैस को मीडियम आंच पे कर देंगे।
पूड़ियों को हम हल्के हाथों से प्रेस करते रहेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करते रहेंगे। अब हमारी पूड़ियाँ गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब इसको हम घी से निकाल लेंगे। अब हमारी पूड़ी और सब्जी रेडी हो गई है। इसका अधिक स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसको दही के साथ भी खा सकते हैं।